हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हम मलाई से मक्खन निकालते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मलाई से मक्खन हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं ग्राइंडर की सहायता से और निवाय पानी करके। अब मैं बताती हूँ जो इसमें हमारी छाछ निकलती है, लस्सी निकलती है, उसका हम पनीर किस प्रकार फाड़ सकते हैं। ये देखो मेरा ये मक्खन देखो चल गया है, मैंने ये चला लिया। अब इसको मैं जो इसका वो है उसको अलग कर लूँगी। देखो ये हमने मक्खन से लस्सी बिल्कुल अलग कर ली है इसकी मलाई वाली। अब हम इसको क्या करेंगे, गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अभी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी हम जब तक उबाल आएगा जब तक इसकी वेट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया और ये ऑलरेडी अपना आप ही थोड़ा फटाफटा हो गया है क्योंकि गर्मियों का है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी इसका पानी अलग नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिक एसिड में डाल दूँ। बस आप नींबू दही किसी से भी फाड़ सकते हो, मेरे पास स्ट्रिक एसिड है इसलिए मैं स्ट्रिक एसिड से फाड़ रही हूँ। ये देखो हमें ये जो पनीर होता है फ्री में ही पड़ जाता है, ना हमारा दूध वेस्ट हुआ, ना हमने इसमें कुछ लागत लगाई। जो हमारे मलाई का ही लस्सी बस्ती है या दूध बस्ता है उसी का ये मैंने आपको बने। देखो बिल्कुल पनीर अलग हो गया और ये देखो बिल्कुल पनीर अलग है और पानी अलग हो गया। देखो बिल्कुल अभी मैं आपको उसको पनीर को और दिखाती हूँ। देखो चावल को नींबू से भी पड़ जाएगा, गर्मियों में तो बच्चे भी चढ़ाते ही फटने लगता है।